अभी अब चालू होगा आठ बजे। देखिए ये पूरा देखिए ठीक है, देखिए हाँ तो नमस्ते और नी हाओ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है यासिन खान और मैं रहता हूँ ताइवान में। स्वागत है आप सभी का नमस्ते ताइवान यूट्यूब चैनल में। यार मैंने मास्क इसके लिए पहन रखा है क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो इन्होंने बोला कि मास्क पहनना बहुत ही नेसेसरी है। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ 921 अर्थक्वेक म्यूज़ियम में, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। अर्थक्वेक का मतलब आप सभी को पता है कि भूकंप बोलते हैं उसको। ताइवान में 1999 में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया था, जो 7.5 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप था वो था यहाँ पर। तो उस भूकंप के अंदर बहुत सारी हानि पहुँची थी ताइवान को, बहुत ही बड़ा था, 7.5 या 7.3 का था शायद, जो मैग्नीट्यूड बोलते थे जो तीव्रता का। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ, जो ये पूरा फिर उन्होंने इस जगह को ये लोग ने पूरा जो म्यूज़ियम बना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि जो ये भूकंप आया था ताइवान के अंदर, उसके अंदर क्या क्या जान माल की हानि हुई थी यहाँ पे। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मेरे पीछे जो ये इमारत जो ये गिरी पड़ी है, ये पूरी स्कूल की बिल्डिंग है। जिस इलाके में मैं आया हूँ ये पूरा जो स्कूल था, ये पूरा स्कूल था वैसे के वैसा ही ये पूरा धस गया था अंदर में जब यहाँ पर भूकंप आया था। और ये पूरे ताइवान के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ के सारे, उन सारे स्टेट्स में इस भूकंप को देखा गया था एक्चुअली के अंदर। तो इसके अंदर तकरीबन 50,000 घर बर्बाद हो गए थे और बहुत सारे लोग मोर देन लाइक एक लाख लोग यहाँ पर घर से बेघर हो गए थे इस भूकंप के अंदर। 1999 की बात है कि उस टाइम पे। और मैंने कुछ पढ़ा जो मैं रिसर्च करके आया था इस प्लेस के बारे में, तो गवर्नमेंट ने बताया था कि उस टाइम पे 126 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ पे जो सहायता मिली थी यहाँ पे जो भूकंप के अंदर जिन लोगों का नुकसान हुआ था उन सभी लोगों को। तो गाइस ये देखिए मेरे पीछे ये जो पूरा है, जो ये क्लासरूम बने हुए स्कूल के, ये सारे जो ये क्लासरूम थे ये सारे अंदर पे बच्चे स्टडी कर रहे थे और भूकंप आया और ये सारा पूरा ये जो था ये ढह गया था। ये पूरा भूकंप आया था तकरीबन 1:47 को उस टाइम के ऊपर यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ से मैं आपको यहाँ से और नज़दीक लेके चलता हूँ यहाँ से। तो यार ये देखिए अभी भी देखिए ये बेंच यहाँ पर जो ये बाहर पड़ी हुई है यहाँ पर अंदर, ये पूरा जो स्कूल का नज़ारा है यहाँ से। तो शायद यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर शायद जा सकते होंगे, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अगर जो पॉसिबल होता है ऊपर की ओर। अभी मैं यहाँ पर आया तकरीबन, मैं ताइचोंग सिटी में रहता हूँ और ताइचोंग सिटी से मैं यहाँ पर मैं हमेशा ड्राइव करता हूँ अपना जो छोटा सा मोटर बाइक है उससे। तो ताइचोंग जो सिटी है उससे यहाँ पर आने में तकरीबन लगते हैं 30 से 35 मिनट लग जाते हैं, और जो अगर आप बस से आओगे तो बस से शायद और कम टाइम लग सकता है, क्योंकि जो बस है वो फ्री वे पर चलती है। और ताइवान में दो टाइप के वे है, एक जो फ्री वे है वो और एक जो मोटर बाइक का वे है वो। तो यहाँ से चलिए मैं आपको ऊपर की ओर ले चलता हूँ और मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा कि क्या क्या जान हानि हुई थी यहाँ पे। यार बहुत ही लोग मारे गए थे यहाँ पर। और उस टाइम पे आपको बताया कि 1999 के अंदर दुनिया के किसी भी देश के अंदर इतना अच्छा तो कोई सुविधा तो थी नहीं कोई रेस्क्यू ऑपरेशन की, लेकिन जो यहाँ की जो आर्मी थी और यहाँ के जो लोग थे उन्होंने अच्छा सा रेस्क्यू ऑपरेशन किया यहाँ पर। ये देखिए मेरे पीछे ये पूरी जो स्कूल की बिल्डिंग है वो पूरी ढह गई थी यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ के जो इंजीनियर है यहाँ पे, उन इंजीनियरों ने यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छा काम किया है। ये पूरा देखिए यहाँ पर इन्होंने एक पुल जैसा बना दिया यहाँ पे, ताकि जो विजिटर आए और देख सके यहाँ पे। देखिए मेरे पीछे ये पूरी जो बिल्डिंग्स है, ये पूरी बिल्डिंग यहाँ पे ढह गई है। यहाँ पे एक और है मेरे पीछे देखिए ये पूरी। तो यहाँ पे जब मैं आया अंदर में, जब मैं एंटर हुआ
तब यहाँ पे टिकट थी $30। $30 का मतलब होता है तकरीबन, देखो ना आप, 60 से 70 रुपये इंडिया के, 60-70 रुपये टिकट है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। अगर जो आप ताइवान में स्टडी कर रहे हो, आपके पास स्टूडेंट कार्ड है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारा कैसे, ये लोग ने देखिए पूरी इंजीनियरिंग यहाँ पे की हुई है। यहाँ से ये पूरी देखिए, ये सारी जो पाइप जा रही है, ये पूरा इसको सारा कुछ ये लोग ने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये पूरा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे जो भूकंप आया था, नज़दीक यहाँ से इतना जल्दी जा नहीं सकते क्योंकि ये थोड़ा दूर बनाया हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग ऑलमोस्ट गिरी हुई है, इसलिए नज़दीक ज़्यादा यहाँ के नज़दीक आप जा नहीं सकते। ठीक है, तो मैं आपको चलिए दूसरी ओर ले चलता हूँ यहाँ से। अगर यार मास्क में आवाज़ नहीं आ रही तो ज़रा माफ़ करना, क्योंकि यहाँ पर मास्क पहनना नेसेसरी है। अभी जब मैं अंदर में एंटर हुआ तो इन्होंने बताया कि मास्क पहनना मस्ट नेसेसरी है यहाँ पे। यहाँ पर जो स्कूल के बच्चे बहुत सारे आते हैं, अभी मैं आ रहा था तो अंदर में जब मैं एंटर कर रहा था तो वहाँ से बहुत सारे स्कूल के बच्चे मैंने देखे आते हुए, और जो मेरे पीछे भी कुछ बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि हमारे इंडिया में नहीं होता कि बच्चों को ले जाते हैं स्कूल की तरफ से यहाँ इधर उधर हर जगह के ऊपर दिखाने के लिए सब कुछ, तो यहाँ पे भी बस सेम ही सिस्टम है यहाँ पे। चलिए मैं आपको अंदर की ओर ले चलता हूँ यहाँ से, तो देखते हैं अंदर और क्या है, हमको क्या देखने मिलता है अंदर की ओर। ठीक है, हाँ तो गाइस मैं आपको बता रहा था ये 921 अर्थक्वेक म्यूज़ियम के बारे में। तो यहाँ से अभी हम आए हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ से जब हम आए तो उसके बाद यहाँ पर आ रही है इमेज गैलरी। तो ये इमेज गैलरी के अंदर मैं जाऊँगा और आपको मैं दिखाऊँगा कि ये इमेज गैलरी में है क्या। तो चलिए चलते हैं इमेज गैलरी में। यहाँ पे आप जब भी जाओगे, आपको यहाँ पे ताइवान में कोई भी आपको नी हाओ करके बोलेगा तो आप भी इनको रिप्लाई करोगे नी हाओ करके। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ पे आया और यहाँ से मैं जा रहा हूँ इमेज गैलरी की ओर। बहुत ही अच्छी सिस्टम बनाया हुआ है यार ये लोग ने यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। ताइवान में मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। ये देखिए मेरे पीछे पूरी जो इमेज गैलरी यहाँ पे ये लोग ने बनाई हुई है, ये देखिए जो ये माउंटेन जो पहले कैसे लग रहे थे और उसके बाद देखिए जो भूकंप आया यहाँ पे। ये देखिए ये जो पूरे पुल, ये सारे यहाँ पे जो गिर गए हैं, ये सारे पुल है, हाउस देखिए, ये पूरे घर ये पूरे तबाह हो चुके। देखिए यहाँ पर ये सारे घर थे, ये सब सारे घर ये पूरे तबाह हो चुके यहाँ पे। ये पूरी इमेज गैलरी, जब भी आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे इमेज गैलरी के बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे। और यहाँ से हाँ मैं यहाँ पे और देखिए जो 1999 का मैंने आपको बताया था, उस टाइम भी देखिए कुछ ऐसे घर हुआ करते थे यहाँ पे, इस टाइप का है। देखिए ये पूरा आप देखिए मेरे पीछे, बहुत ही जानहानि हुई थी। और यहाँ पे देखिए 7.1 यहाँ पे लिखा हुआ है, 7.1 की तीव्रता से यहाँ पे भूकंप आया था, और कुछ जगह पे 6.1 यानी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। क्या है और यहाँ पर अंदर में, अंदर में यहाँ पर ये देखिए उस टाइम के ऊपर जो भी रेस्क्यू टीम जिस टीम ने रेस्क्यू किया था, वो सारे वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो फॉरेन की जो मीडिया है उन्होंने जो कवर किया था यहाँ पे, ये पूरा देखिए यहाँ पे, ये मेरे पीछे ये देखिए, ये लोग पूरे यहाँ पे देखिए, जो पूरा जो रेस्क्यू है वो जो पूरा यहाँ पे हुआ था, उस टाइम के जो न्यूज़पेपर में जो सारी खबरें आई थी यहाँ पे, ये सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ये देखिए ताइवान का जो मैप है उसके अंदर ये पूरा जो भूकंप के बारे में इन्होंने पूरा बताया हुआ है। तो जब भी आप यहाँ पर आते हो ताइवान में और आपका प्लान है ताइचोंग सिटी में घूमने का, तो आप यहाँ पर आइए, और ये बहुत ही अच्छा प्लेस है सच में।
और यहाँ पे क्या बच्चों को जो भूकंप है अर्थ को उसके बारे में देखिए, ये पूरी यहाँ पे जानकारी देते हैं। और ये उस टाइम की पिक्चर देखिए, ये जो उनकी आर्मी है, जो उनकी आर्मी का जो रेस्क्यू टीम है, उन्होंने जो पूरा रेस्क्यू किया था यहाँ पे, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखा दिया हुआ है। ये देखिए, ये घरों की हालत देखिए कैसी हो गई है। यहाँ पे तकरीबन 5,200 लोग से ज़्यादा लोग मर गए थे यहाँ पे, तकरीबन ज़्यादा ही लोग मरे थे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा लोग मरे थे। ये मेरे पीछे देखिए जो रेस्क्यू टीम है, उस टाइम पे रेस्क्यू टीम ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया था सच में। ये मंदिर देखिए, ये पूरा मंदिर यहाँ पे ढह गया। ये देखिए पूरा मंदिर देखिए, यहाँ पर देखिए पूरा मंदिर जो है ये ढह गया यहाँ पे, पूरा मंदिर। ये बहुत यार, जिस जगह पे भी ट्रेजडी होती है, भूकंप आता है, वो तो बहुत ही ख़राब, बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं होती यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये लोग ने एक चीज़ अच्छी की हुई है कि जो चीज़ यहाँ पे जो भूकंप आया था, उस जगह को ये लोग ने एक म्यूज़ियम टाइप बना दिया यहाँ पे। ये पूरा म्यूज़ियम यहाँ पे ये लोग ने बना दिया। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ शो चल रहा है यहाँ पे, यहाँ से ये देखिए, ये सारे यहाँ पे आप आ सकते हो। यहाँ पे आप बैठिए इस चेयर के ऊपर, देखिए कितना अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है। यहाँ पर आके आप बैठिए और यहाँ से आप बैठ के ये सारे जो शो चल रहे हैं ये पूरे आप यहाँ से देख सकते हैं। पता नहीं यार अंधेरा है, लाइट बाइट आ रही होगी कि नहीं, लेकिन चलिए तब भी मैं आपको दिखाने की कोशिश तो करता हूँ। ये देखिए पूरे यहाँ पे, इसका फोन आ गया। Earthquake experience. We're starting at 11:45. 11:45. We stay here and watch the movie. Okay, and so clearly 11:45, the lady will let you go to upstairs. Okay. And you can experience the 921 landmines situation. And when you step up the theater, there will two couch. Okay. And you may sit down and also have a mattress. Sit down first. All right. Then you sit down here. Then you have a project some situation and the atmosphere about a 921. Okay. Then there will two times, each time 20 seconds earthquake. Okay. One is up and down. The second one is from the right to the left. Okay. The pre-trial. In total, it took about 10 minutes. That's all right. I think it's more experience. More experience, right? Right. You can take a photoshoot or what. And wait here. And okay, I just wait here. Yeah, 11:45. She will bring you. Okay, just sit here. I just sit here. Okay, you I just see the one or two. Yes. Video here and the toilet is over there. Oh, okay. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Thank you. हाँ तो गाइस, जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो अर्थक्वेक म्यूज़ियम है, उसका जो रियल एक्सपीरियंस होता है जो अर्थक्वेक के अंदर, वो रियल एक्सपीरियंस यहाँ पे ये लोग हमें बताएंगे। तो जब भी आप यहाँ पर आते हो तो इसको ज़रूर यहाँ से एंजॉय कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अंदर पे आना है। यहाँ से मैं आया, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से अंदर आया मैं। और यहाँ पे आप देखिए नीचे इन्होंने लिखा हुआ है अर्थ एक्सपीरियंस थिएटर, और उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इन्होंने ये जो पूरा टाइमिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा जो टाइमिंग है, ये पूरा टाइमिंग आप यहाँ पे देख लीजिए। तो अभी इन्होंने बताया कि 11:45 को यहाँ पे जो रियल एक्सपीरियंस होता है जो अर्थक्वेक म्यूज़ियम का, वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, जो रियल एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो तब तक आप यहाँ पे, उन्होंने बोला कि तब तक आप यहाँ पे बैठिए, वेट कीजिए, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है 11:30। तो 15 मिनट के बाद ये लोग यहाँ पे मेरे को यहाँ से ऊपर की ओर ले जाएंगे, और ऊपर की ओर ले जाके फिर मेरे को ये लोग जो रियल अर्थक्वेक का जो एक्सपीरियंस है वो देंगे। तो मैं आपको ले चलूँगा वहाँ पर मेरे साथ, और देखेंगे हम लोग के कैसा फील होता है रियल अर्थक्वेक का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे तब तक बैठ के उन्होंने बोला है कि ये जो टीवी है वो देखिए, तो यहाँ पर ये बैठ के बस हम टीवी देखते हैं। ठीक है, तब तक तो चलिए फिर मिलते हैंगे रियल अर्थक्वेक के एक्सपीरियंस के साथ। हाँ तो गाइस, जो ये मोहतरमा खड़ी है वो मेरे पीछे है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे जो रियल अर्थक्वेक का जो एक्सपीरियंस है वो करने के लिए। तो वो अभी हमें बताएंगी कि अंदर जाके हमको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम और आप जाकर करते हैं रियल अर्थक्वेक एक्सपीरियंस। मज़ा आएगा, देखेंगे। मज़ा तो नहीं आएगा क्योंकि यार जिस पे बीतती है उसको ही पता चलता आएगा। ठीक है, तो शायद यहाँ से जो एंट्रेंस है वो यही है, शायद वो अभी आएंगी और
ये जो गेट है वो खोलेंगे यहाँ से आगे, अभी तक आए नहीं हो तो शायद मैं ही खोल लेता हूँ जो गेट है वो, पता नहीं उन्होंने लॉक किया हुआ है कि क्या है। वेट करते हैं यहाँ पर जब तक वो यहाँ पे आते हैं मेरे साथ। ओह ओह वो वहाँ पे आ गए मेरे पीछे, वहाँ पर मेरे पीछे से आ गए यहाँ पे। तो ये कुछ यहाँ पर जो रूम बने हुए हैं आप देखिए, ओके देखिए यार गाइस, यहाँ पर जो ये रूम बने हुए हैं ये पूरे, और यहाँ पर मैं बैठा हूँ, और ये देखिए पूरा ऊपर में ये लोग ने जो सिस्टम बनाया हुआ है ये पूरा, यहाँ पर जो स्क्रीन लगी हुई है ये पूरी, यहाँ पे आप कहीं भी आप बैठ सकते हो यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर अब ये लोग स्टार्ट करेंगे जो रियल अर्थ क्विक का जो एक्सपीरियंस होता है वो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यार यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, इन्होंने मेरे अकेले के लिए ये पूरा स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर ताइवान में ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि आप कहीं भी जाइए आपको ये लोग फुल सपोर्ट करेंगे। ये देखिए ये पूरा जो आप सोच सकते हो कि ये सब लगाने में, ये सब चालू करने में कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी इनकी लग रही होगी, तब भी देखिए यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला हूँ तब भी देखिए इन्होंने ये पूरा चालू कर दिया मेरे लिए। और यहाँ पर देखिए एक जो एक मूवी लगाई है इन्होंने, अब देखिए आप मेरे साथ ये मूवी, ये पूरी मूवी में जो दिखा रहे हैं क्या हुआ था जो ताइवान में जो उस टाइम जो हुआ। तो चलिए चालू कर रहे हैं ये लोग जो अर्थक्वेक है वो यहाँ पे। देखिए यहाँ पर जो घर आ गया मेरे पीछे था वो, ये देखिए अब यहाँ पर जो घर, ये पूरा जो जो ओरिजिनल जो सिस्टम है अभी अब चालू होगा। देखिए ये पूरा देखिए ठीक है, ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था सच में। ये चालू हुआ वापस, अमेजिंग एक्सपीरियंस था यार, जैसे जो अर्थक्वेक में होता है वैसे ही था यहाँ पे। सैल्यूट, ओके थैंक यू वेरी मच शिष्य नी शिष्य। गाइस सच में अमेजिंग एक्सपीरियंस था, सच में यार बहुत ही मजा आ गया, जैसे कि जो रियल फीलिंग आती है ना वही फीलिंग आई अर्थक्वेक की। सच में ये पूरा जो इन्होंने जो सिस्टम अंदर में बनाया हुआ था, जो एलईडी जो सिस्टम था ये पूरा लगा के मजा आ गया सच में, रियल एक्सपीरियंस था। आप जरूर आइए यहाँ, जब भी आप यहाँ पर आते हो, देखो मैं वापस उसी प्लेस में आ गया, जब भी आप आते हो जरूर आइए यहाँ पर, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है।
हाँ तो गाइस अभी अभी हमने एक्सपीरियंस किया जो अर्थ क्वेक था, उसका जो रियल एक्सपीरियंस अभी मैंने किया, जैसे कि मैंने आपको कहा बहुत ही मज़ा आ गया, जो रियल फीलिंग आ रही थी सेम के जो अर्थ क्विक में आती है। मैं भी जब इंडिया में था तब मैंने 2 या 3 बार मैंने अर्थ क्विक फील किया था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा सा मैंने फील किया था, इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन इधर तो जो फील हुआ उसे देख के ही लगता है कि जो तबाही हुई होगी सच में, ये ऐसी ही जो तबाही हुई होगी जैसी जो तबाही है यहाँ पर, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, उससे भी ज़्यादा बहुत ही जगह पर हुआ है। जो ब्रिज टूटे पड़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया पिक्चर में जो ब्रिज टूट गए हैं, वहाँ पे भी है कुछ देखने, वहाँ पे भी ये कुछ जो टूटा हुआ है, मैं आपको वहाँ पे भी ले चलता हूँ अंदर की ओर यहाँ से। तो चलिए आइए आप मेरे साथ। यार मानना पड़ेगा इन्होंने यार क्या जबरदस्त चीज़ बनाई है, पूरे का पूरा आपको एक्सपीरियंस दे देता है यहाँ पे यार, हर एक चीज़ का। यहाँ पर देखिए ये सारा बस उसी का है, जो ये टूटा फूटा जो टूट वूट गया था यहाँ से जो अर्थ क्विक में, ये सारी चीज़ें ये देखिए, ये पूरा अंदर में। और देखिए जो ये मेरे पीछे भी मैंने आपको बताया, ये कितना अच्छा ये लोग ने बनाया हुआ है, जो इंजीनियरिंग की हुई है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर जो भूकंप आया था उसको बहुत ही अच्छी तरह ये लोग ने यहाँ पर सिक्योर किया है। और यहाँ पर देखिए वाटर मशीन लगा हुआ है, यहाँ से आप गर्म ठंडा या नॉर्मल पानी यहाँ पे से पी सकते हो आप, जो फ्री है बिल्कुल, अपनी बोतल लाइए और पानी भर लीजिए यहाँ पे। ये देखिए ये पूरा जो टूटा हुआ था यहाँ पे देखिए, ये पूरा इन्होंने देखिए ये पूरा कैसा कितना अच्छा ये लोग ने बनाया हुआ है यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट के साथ। ये जो क्लासरूम हुआ करता था, ये सामने देखिए जो पिक्चर लगे हुए हैं सारे, ये देखिए जब अर्थ क्विक आया, देखिए सारे स्टूडेंट देखिए इसमें, ये जो पूरी क्लास थी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर 1999 में देखिए ये सारी जो क्लासें थी, ये सारी जो क्लासें हैं, ये छोटी छोटी जो क्लासें बनी हुई, सारी जो क्लासें हैं ये देखिए, ये सारी क्लासें यहाँ पर बनी हुई है। और यार ताइवान की एक बात बहुत अच्छी, हर क्लास में इन्होंने टेलीविजन लगाया हुआ है, हर एक क्लास में टेलीविजन है और प्रोजेक्टर भी इन्होंने यहाँ पर हर एक क्लास में लगाया हुआ है। तो देखिए अभी मैं इस तरफ की ओर यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ से अभी हम आगे की ओर चलेंगे और अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो रनिंग ग्राउंड होता है जिस पे हम लोग रन करते हैं उसकी क्या हालत हुई थी, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। आइए मेरे साथ। यहाँ पे गाइस देखिए, ये पूरे जो अर्थ क्विक के बारे में यहाँ पे इन्होंने सारी कुछ डिटेल दी हुई है, जो ये हमारा जो अर्थ है उस टाइप का, देखिए यहाँ पे इन्होंने अर्थ बनाया हुआ है और उसमें इन्होंने सारे मशीन लगाए हुए हैं। ये देखिए जो ये सारे ब्रिज थे वो टूटे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे सिस्टम देखिए आप यहाँ से, आपको सारा कुछ यहाँ पे देख के आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये सारे जो मशीन यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे आप आके इसको यूज़ भी कर सकते हो। ये देखिए ये जो नॉर्मल था पहले और उसके बाद देखिए ये यहाँ पर इसकी क्या हालत हो गई है। ये सारे शॉट में आपको लेके वीडियो में सारे शॉट अच्छी तरह से मैं आपको लेके वीडियो में डाल दूंगा, ताकि आपको ये पिक्चर है जो क्लियरिटी में आपको दिख सके। ये देखिए पूरा यहाँ पे ये सारी चीज़ यहाँ पे ये लोग ने बनाई हुई है बहुत ही अच्छी तरीके से, जो अर्थ क्विक है उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। ये एक और देखिए जो ये हमारे अर्थ का जो कोर होता है अंदर में जो लावा होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई है यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे और शायद हमको एक्सपीरियंस करने मिल जाए डोर होगा शायद यहाँ पे, यहीं कहीं पे होना चाहिए। ये रहा, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो, यहाँ से प्रेस किया यहाँ पे देखिए हम आए। ये पूरा जो देखिए जो रनिंग ग्राउंड बनाया हुआ था ये रूम में, ये पूरा देखिए ये रनिंग ग्राउंड के देखिए क्या हालत हो चुकी है यहाँ पे, ये मिट्टी नीचे से ऊपर तक आ गई है। ये नॉर्मल था देखिए यहाँ पर, ये नॉर्मल है, अर्थ क्विक यहाँ से आया और इसको ये पूरा ऊपर उठा गया। ये देखिए ये पूरा जो है ना, ये पूरा इसको जो यहाँ पे ऊपर की ओर उठ गया है, तो इसको देख के आपको अंदाजा तो लग ही रहा होगा कि कितना भारी भूकंप यहाँ पे आया होगा। और देखिए जो है इंजीनियरिंग की हुई यहाँ पे, ये पूरी इन्होंने इसको बनाने के लिए, ये देखिए ये पूरी इंजीनियरिंग देखिए यहाँ पर कैसा, ये पूरा जो मंडप की तरह इन्होंने बनाया हुआ अच्छी तरह से।
तो यहाँ पे आप आके, यहाँ पे एक सीढ़ियाँ भी बनाई हुई है यहाँ यहाँ से आने में, यहाँ पे शायद जाना अलाउड नहीं है इस लाइन के उस साइड में, तो यहाँ पे इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई है यहाँ से, तो यहाँ से ये देखिए पूरा नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं कैमरा कैमरा गोल फिरा के। देखिए पूरा नज़ारा मेरे पीछे। हाँ तो गाइस चलिए तब तक के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच आपने जो वीडियो देखा उसके लिए, और अगर आपको ताइवान के बारे में सब कुछ जानना है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं ताइवान के बारे में सारी जानकारियाँ मैं लेके आऊँगा, यहाँ पे हर छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी हर टाइप की मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ यहाँ पे, तो आप मेरे को कॉमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको जो मैं जो मेरी जो लैंग्वेज है जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको जो समझ में नहीं आती ठीक से, आप चाहते हो कि मैं इसको थोड़ी सी इम्प्रूव करूँ, तब भी आप मेरे को बता दीजिए वीडियो के अंदर, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप कोई भी दूसरी तरह का भी कंटेंट चाहते हैं ताइवान के बारे में और किसी टाइप की जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को बता दीजिए, तो तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और अलविदा, बाय बाय और जय जैन।